नमस्कार, मैं अनिल शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स बाय मार्क सर्वे। आज डायरेक्टिंग में मोटिवेशन के लिए इंसेंटिव हम कर रहे थे। पिछले वीडियो हमने की थी फाइनेंशियल इंसेंटिव, आज हम करने वाले हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ठीक है, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग रहा है नॉन फाइनेंस। फाइनेंस में आपने पढ़ा था इंसेंटिव्स विच इज गिवन टू द एम्प्लॉइज इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट मॉनेटरी फॉर्म। ठीक है, जिससे बेनिफिट दिया जाता था मॉनेटरी फॉर्म में। ठीक है, अब यहां पर हम मनी के बेस पे नहीं कर रहे हैं, हम नॉन मॉनेटरी नॉन फाइनेंस। ठीक है, उसके स्टेटस को चेंज कर दे, वहां का एनवायरमेंट अच्छा कर दे, उसकी जॉब को सिक्योर कर दे। ठीक है, उसका जो है एप्रिशिएशन उसकी बढ़ाई कर दे सभी के सामने। इस तरह से पैसे देकर नहीं, मॉनेटरी वे से नहीं, उसकी इमेज बढ़ा दे। क्या करना है हमने, ये इंसेंटिव्स दे। ठीक है बात, तो आज हम ऐसे ही कुछ इंसेंटिव्स करेंगे जिससे एम्प्लॉइज को हम क्या कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं। सबसे पहला एम्प्लॉय रिकॉग्निशन। ठीक है, हम कंपनी के एनवायरमेंट में ऐड कर दे एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या है? ठीक है, जैसा कि आप देखते हैं कि स्कूल्स में एनुअल डे पे या टीचर्स डे पे बेस्ट टीचर अवार्ड मिलता है। टीचर्स आर ऑल्सो एम्प्लॉइज। ठीक है, वो पहचान है, वो उनको रिवॉर्ड देकर पहचान बनाएगी दैट ही इज द मोस्ट, जो है क्या है, मोस्ट हार्ड वर्किंग मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन टुवर्ड्स हिज ड्यूटी। अपने ड्यूटी की तरफ क्या है, वो ऑनेस्ट बड़ी डेडिकेटली ड्यूटी है और उसके रिजल्ट्स जो है वो बहुत अच्छे, उसकी पहचान है। ऐसे ही कंपनी के अंदर क्या किया जाता है, कंपनी के अंदर टारगेट्स दिए जाते हैं। बिजनेसेस में हम नॉर्मली टारगेट्स दिए जाते हैं, जो भी लोग टारगेट्स अचीव करते हैं हम उसको एप्रिशिएशन लेटर सबके सामने बढ़ाई कर देते हैं, एप्रिशिएट कर देते भाई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हम उसके लिए तालियां बजवा दें। ठीक है, या उसके नाम का एप्रिशिएशन लेटर बनवा देते हैं और उसके कैबिन में रखते हैं। ठीक है, जैसे आप शायद गए हो कभी बैंक मैनेजर के, किसी प्राइवेट बैंक के मैनेजर के ऑफिस में जाकर देखना, वहां पर एप्रिशिएशन लेटर्स आपको दिख जाए। इस तरह से वो सारे के सारे क्या है, रिकॉग्निशन है। कंपनी के नोटिस बोर्ड पर एक व्यक्ति का नाम लगा हुआ कि इसने बहुत अच्छा काम किया, जब भी वो देखेगा वो जीन फील करेगा, वो उत्साहित फील करेगा, वो सहेगा कि हाँ मेरे को पहचानने वाले लोग हैं, तो इगोइस नीड्स सेटिस्फाइड। ठीक है ना, माश्लो ने बताया था ना कि थर्ड टाइप के लिए कौन सी इगोइस नीड, तो इगोइस नीड उसकी पूरी होगी, सॉरी फोर्थ टाइप की। तो दूसरा है जो सिक्योरिटी, पहला आपको समझ में आ गया होगा भी किसी भी फॉर्म में हमने उसकी पहचान बनाई, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान। ठीक है, दूसरा है जॉब सिक्योरिटी, यहां भी आपको इस नाम से ही क्लियर है। हर व्यक्ति इस टेंशन में जरूर रहता है कि कल अगर जॉब ना रहे तो क्या होगा, अगर आज तो ठीक है सर्दी आ रही मैं काम कर रहा हूं, अगर कल जॉब ना रहे तो क्या होगा। तो ऐसे में कंपनी उसकी जॉब सिक्योर कर देती है परमानेंटली या एक फिक्स टेन्योर के लिए, उससे उसे ये हो जाएगा कि हाँ उस समय तक तो मैं यहां पर अवेलेबल हूं, उस समय तक तो मैं यहां पर हूं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में उसे हम जॉब सिक्योरिटी बोलेंगे, जॉब सिक्योरिटी, उसे लगेगा भी मैं सिक्योर तो हूं ही यहां पर। ठीक है, अब मेरा काम भी क्या है, करना बनता है, फर्म मेरे लिए इतना कर रही है जो सिक्योर कर दिया है मुझे। ठीक है, आपको मेरा काम क्या है, सिर्फ इस फर्म के लिए काम करना, वो डेडिकेटेड हो जाता है बहुत ज्यादा। लेकिन इसके एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ लोग ये सोच लेते हैं क्योंकि दुनिया में दोनों तरह के लोग हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। भाई अपने देश में तो खासकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब सिक्योरिटी के बाद अपने आप को ये मान लेते हैं कि अब तो सिक्योर हो गया, अब काम घर ना कोई बात, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ऐसे ही होते हैं, उनकी जॉब सिक्योर होती है इसलिए वो
ठीक है, तो नेगेटिव इंपैक्ट। तीसरा कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। तीसरा क्या है? कैरियर, यानी कि एक व्यक्ति को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जिससे उसका कैरियर बने, यानी कि उसको ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा स्किलफुल जॉब के लिए क्या है, तैयार करना, ठीक है, हायर लेवल की जॉब देना, क्या है उसकी कैरियर एडवांस। जैसे जैसे व्यक्ति काम करता जाता है उसमें स्किल जनरेट होती जाती है, वो और अच्छी एडवांस जॉब करने के लिए तैयार है। कंपनी के अंदर प्रोग्राम बनाना कि एक व्यक्ति जब इस लेवल पर पहुंचेगा हम उसको प्रमोट कर देंगे, ठीक है, मैनेजर बना देंगे, मैनेजर बनाने के बाद हम उसको असिस्टेंट मैनेजर बना देंगे, जनरल मैनेजर बना देंगे। कंपनी के पास एक पूरी पूरी कैरियर के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए जिसे हम क्या बोलेंगे, कैरियर एडवांसमेंट प्रोग्राम, ठीक है, या अपॉर्चुनिटी। इम्प्लॉइज क्या हो, कैसे इससे मोटिवेट कैसे हो? अब इम्प्लॉइज को पता है कि जैसे ही मैं एक लेवल को अचीव कर लूंगा तो मुझे नेक्स्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी मिल जाएगी, नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब, नेक्स्ट स्टेटस की जॉब मिल जाएगी, जिससे मेरी मॉनेटरी फॉर्म बेनिफिट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, इमेज भी बढ़ेगी, इगोइज्म भी पूरी होगी, है ना। तो कैरियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी जो भी समझ रखेंगे उनके इम्प्लॉइज के पास हमेशा काम करने के लिए एक मोटिवेशन का क्या रहेगा, ऑप्शन रहेगा। उसके बाद फोर्थ में करते हैं इम्प्लॉई बायस। हम क्या करें जो इम्प्लॉई से रिलेटेड डिसीजन, ठीक है, कर्मचारियों से रिलेटेड जो भी डिसीजन है हमें उनको इन्वॉल्व करना है, हमें उनको बुलाना है और उनके साथ डिस्कस करना है कि ये डिसीजन हम लेने वाले हैं आपके लिए, आप इस डिसीजन से किस तरह से वाकिफ हो, किस तरह से आपके विचार है, क्या ये अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उनकी राय पूछे, ठीक है। अगर वो मान लो नहीं भी रेडी है तो कुछ ना कुछ ऐसा तरीका जरूर अपनाए जिसमें दोनों क्या बन जाए, सहमत बन जाए। इससे क्या होगा, इम्प्लॉई समथिंग दैट वी आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू द फर्म, हम भी क्या है फर्म के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड फर्म इज टेकिंग इनिशिएटिव अबाउट आवर कंसर्न्स। हमारी भी चिंता है फर्म को और हमारे को भी इम्पोर्टेंट मानती है, इसीलिए हमारे से रिलेटेड डिसीजन में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इससे भी वो क्या करेंगे, मोटिवेटेड फील होंगे, ठीक है, मोटिवेशन लेवल का बढ़ेगा। उसके बाद है स्टेटस। स्टेटस का मतलब है पोस्ट एक्टिंग पर्सन वर्किंग, जिस पोस्ट पर वो काम कर रहा है वो स्टेटस। हमें क्या करना है, इम्प्लॉई को मोटिवेट करने के लिए उसके स्टेटस पे इंक्रीज करना, वो वर्कर उसे सुपरवाइजर बना दो अगर अच्छा, ठीक है, अच्छा नहीं है तो नहीं, अगर उसके अंदर काबिलियत है, अगर उसके अंदर स्किल है तो हम उसके स्टेटस में इंप्रूव कर देंगे, ठीक है, उसे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब सौंपेंगे ताकि अदर्स को भी ये फील हो कि वो व्यक्ति ने इतना अच्छा काम किया है इसलिए वो ऊपर हो गया, तो हम भी जा सकते हैं वहां पर, ठीक है, हमें भी एक अच्छे लेवल की अच्छी पोस्ट की जॉब मिल सकती है, तो दूसरे को मोटिवेट होंगे इस वजह से फ्यूचर में ऐसा करने के लिए, और जिसे हमने जॉब अच्छी पोस्ट दे दी है वो इसलिए मोटिवेटेड कि मैंने अच्छा काम किया है, ठीक है, मेरी एप्लीकेशन के साथ साथ पोस्ट बढ़ गई, मेरी प्रमोशन हो गई है, अब मुझे और अच्छा करके आगे और बढ़ना है, ठीक है। बात सिक्स पॉइंट है जॉब एग्रीमेंट, जो उसका काम एग्रीमेंट उसको रिच बनाना, जॉब को रिच बनाना, कैसे बनेगी जॉब रिच, यानी कि उसको ज्यादा अथॉरिटी, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना। पहले जिस जॉब पर था वो, वट एवर जॉब पे था वो, पहले जो भी काम करता था उसकी जॉब को मोर चैलेंजिंग बना देना, ठीक है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर लगाना, ठीक है, अथॉरिटीज भी बढ़ाना ताकि उसे लगे कि मेरी पावर तो बढ़ी गई, ठीक है, और इसके साथ साथ मुझे अच्छे लेवल की अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की क्या दी जा रही है, जॉब दी जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्था जो है, ऑर्गेनाइजेशन जो है, मेरे ऊपर बिलीव कर रही है, ठीक है, और ना ऑर्गेनाइजेशन का बिलीव जीतने में कामयाब, ठीक है, इसीलिए तो मुझे ज्यादा चैलेंजिंग जॉब दी जा रही है। जब वो ऐसा फील करने लगेगा तो वास्तव में वो मोटिवेटेड होगा और उसके अंदर और ज्यादा परफॉर्मेंस देने की क्या होगी, लगन। नेक्स्ट चलते हैं
पहले से ही मन बना के रखते कि मैंने ना एबीसी कंपनी में काम किया। क्यों? रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि उसे वहां के एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा पता है। ठीक है, अपनी संस्था का एनवायरमेंट क्लाइमेट ऐसा है कि दूसरे वहां आकर काम करने के लिए तैयार। ठीक है, तो जब क्लाइमेट अच्छा होगा, बाहर वाले तो आएंगे ही आएंगे, वो तो सोचेंगे कि अच्छे संस्था के साथ काम करना। तो जो लोग आपकी संस्था में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि इस तरह के एनवायरमेंट हमें आसानी से नहीं मिलने वाला, और उस एनवायरमेंट में वो अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, अर्थात वो क्या होंगे, मोटिवेटेड होंगे। लास्ट इम्प्लॉई एम्पावरमेंट, यहां पर दोनों में कंफ्यूजन होती है, जॉब एनरिचमेंट और एम्प्लॉई एम्पावरमेंट। जॉब एनरिचमेंट मतलब जॉब एनकरेज करना, उसके काम में ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना, ठीक है, उसकी जॉब ज्यादा चैलेंजिंग होना। एम्प्लॉई एम्पावरमेंट एम्प्लॉई को अथॉरिटी ज्यादा देंगे, ऑटोनॉमी ज्यादा देंगे, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज्यादा डालना, ठीक है ना। वहां जॉब से रिलेटेड है, यहां एम्प्लॉई की एम्पावरमेंट का मतलब एम्प्लॉई ग्रोथ हो रही है, उसको ज्यादा चैलेंजिंग जॉब देकर, उसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब देकर, उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जॉब सौंपकर हम उसकी क्या कर रहे हैं, एम्पावरमेंट कर रहे हैं, उसको पावर मिला रहे हैं, सिंपल बात है। और जब वो पावर में आ जाएगा, दूसरों को ऑर्डर देने की काबिलियत उसमें आ जाएगी, जब उसे लगेगा कि हाँ मैं भी इंपॉर्टेंट हूं, मेरी भी एक जगह है संस्था में, तो वाक्य में अपने आप को क्या समझेगा कि मैं जो हूं मोटिव, वो ज्यादा अच्छा काम करना चाहिए, मुझे एडवांस काम करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, तो वो मोटिवेटेड फील करेगा, हमारा काम क्या है, मोटिवेशन देगा। तो जी ये था नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पहले से सब्सक्राइब है तो अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में से शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।